नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने 9वीं इकाई का आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ा है। आज उसी इकाई का अगला पाठ 36वां, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं। गुणसूत्र किसी प्रारूपिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा संरचना होती है, वो गुणसूत्र होते हैं। और प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जो आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक है, गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर बिंदु समान संरचनाएं होती हैं, वो जीन कहलाते हैं। जीनों के द्वारा ही आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। अर्थात गुणसूत्रों के द्वारा आनुवंशिक लक्षण अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिकता की सूचनाओं के वाक हैं। फिर गुणसूत्र के बारे में होपमिस्टर ने बताया था 1848 में, और 1888 में वाल्डेर ने नाम दिया था। और सटन व बोवेरी 1903 ने इसके बारे में सबसे विस्तृत अध्ययन किया, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि गुणसूत्र पर एक संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। जीनों के द्वारा ही आनुवंशिक लक्षण संचरण करते हैं, ये बताया था सटन और बोवेरी ने। स्टार्स बर्गर ने गुणसूत्र का वर्णन किया था। गुणसूत्र के प्रकार में विषाणुओं में पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सजीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनके आधार पर 3 प्रकार के प्रोकैरियोट विषाणु गुणसूत्र, वायरस गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र और यूकेरियोटिक गुणसूत्र। गुणसूत्र प्रोकैरियोट, ये विषाणु गुणसूत्र ये वायरसों में होते हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरस सजीव व निर्जीव इन दोनों के बीच की योजक कड़ी होते हैं। अर्थात ये वातावरण में रहते हैं, वातावरण में खुले रहते हैं तब तो ये निर्जीव रहते हैं, किसी प्रकार की क्रिया या किसी प्रकार की जैविक क्रियाएं नहीं होती है। जबकि ये किसी सजीवों के संपर्क में आते हैं तो ये गुणन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। इस प्रकार ये इनमें सजीवों के और निर्जीवों के दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए या आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल दोनों में से कोई भी हो सकता है। पादप वायरसों जंतु वायरस
तंतु वायरस व पादप वायरसों में डीएनए या आरएनए हो सकता है। कुछ सभी तंतु वायरसों और पादप वायरसों यानी टीएमवी, टोबेको मोज़ेक वायरस, टोबेको मोज़ेक वायरस तंबाकू के पौधे में पाया जाने वाला वायरस, टोबेको मोज़ेक वायरस और तंतु वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। जो किस प्रकार का होता है? सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर होता है, जबकि डीएनए होता है वो द्विकुंडलीय संरचना होती है। तो इनमें आरएनए या डीएनए दोनों हो सकता है, जंतु वायरसों और टीएमवी में एक ही प्रकार का आरएनए पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों पर, गुणसूत्रों आरएनए डीएनए गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जिनके ये आनुवंशिक पदार्थ हैं जो किसी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या सजीवों में हस्तांतरित होते हैं। आनुवंशिक गुण, आनुवंशिक गुण या विशेषताएं, विशेषताएं जीनों के द्वारा होती है। जीनों के द्वारा जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर, गुणसूत्रों पर बिंदु समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें जीन कहा जाता है। और जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा प्रकार है अपने प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। ये अधिकतर जीवाणुओं में पाया जाता है। जिनमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है? प्रमुख अंतर यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, और जितने कोशिकांग होते हैं कोशिकांग के बाहर भी झिल्ली नहीं पाई जाती, अस्पष्ट होती है इस प्रकार। और जबकि यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है, विभिन्न कोशिकांग भी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अधिकतर जीवाणुओं में जिनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन सभी जीवाणुओं में इस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है इनका। और आरएनए वर्तुल प्रकार का यानी गोलाकार या, और इनमें आकार इनका 25 म्यू से 100 म्यू तक, म्यू एक मापन की इकाई है आकार मापने की, 25 इनका आकार 25 से 100 म्यू तक होता है, बहुत सूक्ष्म आकार है। और ये अधिकतर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, जो जीवाणुओं में होती है। ये भी एक आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तीसरा प्रकार है यूकैरियोटिक प्रकार के गुणसूत्र। ये प्राय अधिकतर पादप जंतु व कवक जगत के जीवों में पाया जाता है। इनमें अधिकांश भाग डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में अधिकांश भाग डीएनए का होता है। और डीएनए के अंदर है दो प्रकार के विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हिस्टोन प्रोटीन, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये भी आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक हैं। ये जो पादप जंतु कवक जगत के जितने सब सजीव हैं इनमें पाए जाते हैं, और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में अधिकांश रूप से डीएनए ही पाया जाता है। तो डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडलीय संरचना में होता है, द्विकुंडलीय डबल हेलिक्स संरचना। किसने दी थी? वाटसन व क्रिक ने
डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था कब? 1953 में। गुणसूत्रों के प्रकार के बाद में तीन प्रकार के गुणसूत्र प्रकार विषाणु, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार के, इनके बाद में गुणसूत्रों मानव में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो हम सबको पता है कि सभी सजीवों में गुणसूत्रों की निश्चित संख्या होती है। अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभार इनकी संख्या में कहीं फेरबदल हो जाए या संख्या में कमी आ जाए या किसी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाए, तब असामान्यताएँ उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं को ही अपन गुणसूत्रीय विकृतियां कहते हैं। अब है दैहिक गुणसूत्र मानव में किस प्रकार के गुणसूत्र? एक तो दैहिक प्रकार के, दूसरा लिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल गुणसूत्र, ऑटोसोम जिन्हें ऑटोसोम भी कहते हैं, और ये सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। हम सभी जानते हैं कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनके अंदर 22 जोड़े तो दोनों में, नर और मादा में दोनों में समान होते हैं, समान गुणसूत्र होते हैं, समान गुणसूत्र होते हैं। और जिन्हें ए लिंग गुणसूत्र इन्हें ए लिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, जो पूरे शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। लिंग का, जबकि ये लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र है। नर में भी और मादा में दोनों 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं नर में एक्स और वाई, ये एक जोड़ा, इसमें एक्स और एक्स दोनों समान, वो एक जोड़ा मादा में पाए जाते हैं। जिनके द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है उसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कौन है? उसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कौन है? उनके लिए हमें पता है कि दोनों में, बाकी जो कायिक गुणसूत्र हैं वो तो संख्या में समान है और आकार संरचना में भी समान है, लेकिन लैंगिक जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। नर में एक्स और वाई प्रकार के हैं, जबकि इनमें मादा में दोनों ही एक्स प्रकार के हैं। अर्थात जो वाई वाला है वो केवल नर में ही पाया जाता है। तो इनमें 44 XX इनके क्रॉस से 44 XY, फिर इनके क्रॉस से 44 XX इनके क्रॉस से 44 XY, यानी जहाँ एक्स वाई आता है वह पुत्र का जन्म होता है, जहाँ एक्स एक्स आते हैं वह पुत्री का जन्म होता है। अर्थात कुल मिलाकर 50-50% पुत्र या पुत्री होने की संभावना रहती है इनमें जो। और कभी कभार इनकी संख्या में परिवर्तन आ जाता है, इनके कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है, जिनके कारण असामान्यताएँ उत्पन्न होती है, जिसे सुपर न्यूमेरी कहते हैं या अधिसंख्या गुणसूत्र अधिसंख्या कहते हैं। और इन गुणसूत्रों को क्रम से गुणसूत्रों का आकार के क्रम से गुणसूत्रों के आकार के क्रम से इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जमाया जाता है जोड़े के रूप में।
तो इस प्रकार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ईडियोग्राम कहा जाता है, ईडियोग्राम या गुणसूत्रीय आलेख। यानी सभी गुणसूत्रों का आकार अलग अलग प्रकार का है। जो काय गुणसूत्र है उनका तो समान आकार है, लेकिन एक्स जो लैंगिक गुणसूत्र है, एक्स और वाई, तो वाई गुणसूत्र बड़ा होता है, एक्स गुणसूत्र छोटा होता है। तो इनको प्रत्येक को आकार के हिसाब से एक क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार करने की प्रक्रिया को ईडियोग्राम कहा जाता है। और इनके द्वारा इनमें होने वाली असामान्यता का पता चलता है, जिनका निराकरण आसानी से किया जा सकता है, निराकरण करने या इनके उपचार करने में सुविधा प्राप्त होती है। यह सकते हिंदी में गुणसूत्रीय आलेख। ईडियोग्राम के बाद में कुछ गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण कुछ असामान्यताएँ आती है, जिन्हें गुणसूत्रीय विकृतियाँ कहते हैं। इनके अंतर्गत मानव में पाए जाने वाली गुणसूत्रीय विकृतियाँ कौन कौन सी हैं? ऑटोसोमल भी है, सेक्सुअल भी है ना। कायिक गुणसूत्रों की अधिकता या कमी से कौन कौन से सिंड्रोम हो सकते हैं? तो कायिक गुणसूत्रों के कारण होने वाली विकृतियाँ असामान्यताएँ, पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि मंदबुद्धि का उत्पन्न होने वाला बालक मंदबुद्धि का होता है, असामान्य अपसामान्य होता है, इस कारण इसे डाउन सिंड्रोम। इनके बारे में पहले किसने बताया था? लैंगडम डाउन ने। कब? 1866 में लैंगडम डाउन ने इनके बारे में बताया। उनके सम्मान में, इस वैज्ञानिक के सम्मान में ही इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इस सिंड्रोम के का प्रमुख कारण क्या है कि कायिक गुणसूत्र, मानव में कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं अर्थात 44 गुणसूत्र, वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये समान होते हैं और इनमें गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में स्थित होते हैं। इन जोड़ों में से जैसे ये पहला, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवा, आठवा, नौवा या दसवा, ऐसे ही इक्कीसवें जोड़े में पाए जाने वाले गुणसूत्र, जैसे ये इक्कीसवां गुणसूत्र का जोड़ा है, उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, अतिरिक्त गुणसूत्र होने के कारण इस प्रकार की असामान्यता होती है। इस प्रकार इसे ट्राइसोमी, तीन गुणसूत्र होने के कारण ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ये इस प्रकार की असामान्यताएँ अधिकतर या 40 साल की उम्र की महिलाओं के गर्भधारण करने के कारण होती है। कई महिलाएं शुरुआत में बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, या किसी कारणवश संतान की कमी के कारण, या कोई भी कारण हो सकता है, या अधिक उम्र में वो बच्चे उत्पन्न करती है, तब इस प्रकार की असामान्यता आती है, जिनमें बच्चा मंगोलिज्म प्रकार का उत्पन्न होता है, जो किसके कारण? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। अब कितने गुणसूत्र हो गए? 47 गुणसूत्र। 22 जोड़े तो ये एक एक्स वाला, एक काय गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, अर्थात टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 47 गुणसूत्र हो गए। इसमें
लक्षण होने वाली संतानों में लक्षण ललाट, ललाट कैसा होता, चपटा होता है, अंगुलियां, अंगुलियां आगे से पोतरी हुई जैसे बड़ी फूली हुई अंगुलियां होती है, उंगुलियां फूली हुई आगे से फूली हुई, और नाट्य कद का, नाट्य कद का होता है, नाट्य कद का या बोने कद का होता है, और मुख हमेशा खुला रहता है, जीवा बाहर रहती है, और निचला होंठ लटका रहता है, और मंदबुद्धि इसका प्रमुख लक्षण है, अर्थात मोटे चपटे चपटा ललाट होता, अंगुली फूली हुई और हाथ चपटे होते हैं, हथेली चपटी होती है, जीवा बाहर निकली हुई, मुख हमेशा खुला रहता है, और निचला होंठ है वो लटका रहता है, और सामान्यतः ये मंदबुद्धि के होते हैं। ट्राइसोमी काय गुणसूत्र 21वीं जोड़ी की पुनरावृत्ति एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। तो ये काय गुणसूत्र में असामान्यताएं एक प्रकार की, जिसे क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। काय गुणसूत्रों के अंतर्गत सिंड्रोम में दूसरा प्रकार है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी कौन से 18वें नंबर के गुणसूत्र काय गुणसूत्र 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने से इस प्रकार की असामान्यताएँ उत्पन्न होती है। इस प्रकार की असामान्यताएँ उत्पन्न होती है ये अधिकतर इस प्रकार की असामान्यता से उत्पन्न होने वाले बच्चे कम ही जीवित रहते हैं, लगभग 4 से 6 महीने तक ही जीवित रहते हैं। उत्पन्न होने वाली संतानें ये ज़्यादातर लड़कियों में होता है, ये अधिकतर लड़कियों में होता है। इसमें क्या था, 21वें डाउन सिंड्रोम में क्या था, 21वें जोड़े गुणसूत्र हैं, 21वें जोड़े गुणसूत्र काय गुणसूत्र, उनमें पुनरावृत्ति के कारण एक अतिरिक्त गुणसूत्र होने के कारण एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें जोड़ी जो गुणसूत्र हैं उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाने के कारण इस प्रकार की असामान्यताएँ होती है। तीसरा है विविध संरचनात्मक असामान्यताएँ, जिसे क्राई टू चेट सिंड्रोम भी कहते हैं। ये गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण नहीं होता, ये गुणसूत्र की जैसे कोई ये गुणसूत्र हैं, इस गुणसूत्र के जो गुणसूत्र के छोटे भाग हैं क्रोमेटिड के जो सिस्टर नॉन सिस्टर भाग हैं उनमें से छोटे गुणसूत्र के किसी खंड या अंश विशेष में किसी कारणवश विलोपन यानी हटने से या टूट जाने से या अलग हो जाने से किसी कारणवश विलोपन हो जाता है या ये भाग हट जाता है, इस कारण ये असामान्यताएँ होती है संरचनात्मक, जिन्हें संरचनात्मक असामान्यता कहते हैं। इस प्रकार के ये गुणसूत्र संख्या पाँच पाँच का जो गुणसूत्र है उसके किसी एक खंड विशेष का विलोपन हो जाता है या टूटकर अलग हो जाता है, यह जिसके कारण इस प्रकार की असामान्यताएँ होती हैं। इस प्रकार से धन में बच्चे बिल्ली जैसे चिल्लाते हैं, रोते हैं, इस कारण इसे क्राई टू
चेट सिंड्रोम भी कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों अपने सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और संरचनात्मक असामान्यताएँ अर्थात क्राई टू चेट सिंड्रोम, ये तीनों कायिक गुणसूत्रों के अंतर्गत होने वाली असामान्यताएँ हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे लैंगिक गुणसूत्रों के आधार पर होने वाली असामान्यताएँ। कायिक गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यताएँ के बाद अब हम पढ़ेंगे लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित होने वाली असामान्यताएँ, उनके अंतर्गत पहला आता है लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत असामान्यता में टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ये अधिकतर स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में होता है टर्नर सिंड्रोम, वाघ भी यही होती है। इनमें एक्स जो लिंग गुणसूत्र होता है उनमें से एक की कमी हो जाती है, अर्थात टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जैसे एक्स एक्स ये लिंग गुणसूत्र, दो लिंग गुणसूत्र और 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र, 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है उनमें से एक एक्स कम रह जाता है, कम रह जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल 45। एक कायिक लैंगिक गुणसूत्र की कमी के कारण ये संभावना होती है, अधिकतर महिलाओं में होती है ये। और इस प्रकार से संबंधित अब सामान्यता से होने वाली बच्चियों में ये अल्प विकसित जननांग युक्त होती है, मंद बुद्धि स्तन ग्रंथियां कम विकसित होती है, विकसित नहीं होती, और ये बोनी या नाट्य कद की होती है, लंबाई इनकी कम होती है, अधिकतर महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम। किस कारण? लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, इनमें से एक लिंग गुणसूत्र की कमी से होती है, अर्थात टोटल गुणसूत्रों की संख्या 45। इनसे होने वाली संततियों में जिनमें जो लड़कियां हो तो वो अल्प विकसित जननांग युक्त होती है, मंद बुद्धि की होती है, स्तन ग्रंथियां कम विकसित होती हैं और उनका सामान्य कद है वो छोटा रह जाता है, बोनी रह जाती है, और ये बांझ होती है, यानी जननांग विकसित नहीं होंगे तो बांझ होती है ये। इसी क्रम में दूसरा है लैंगिक गुणसूत्रों से संबंधित है सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये महिला में होता है जबकि ये पुरुषों में होता है, ये पुरुषों में होता है। इस प्रकार के गुणसूत्रों में एक्स गुणसूत्र होता है पुरुषों में, उसमें पुनरावृत्ति के कारण होता है, यानी इनमें कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन इन 46 गुणसूत्रों में कभी 47 हो जाती है, कभी 48 हो जाती है, कभी 49 हो सकते हैं। कब? जब लैंगिक गुणसूत्र एक्स की अधिकता के कारण, जैसे एक्स एक्स तो है ही, यानी एक्स गुणसूत्र तो है, कभी एक एक्स अधिकता से कितने हो गए 44 45 46 47 गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाए, यानी एक्स की पुनरावृत्ति हो जाए। दूसरी एक्स की दो बार पुनरावृत्ति हो जाए 48। यदि इस एक्स की तीन बार पुनरावृत्ति हो जाए तो 49। यदि इस एक्स की और वाई की भी पुनरावृत्ति हो जाए, एक्स की भी पुनरावृत्ति हो जाए
और वाई की भी पुनरावृत्ति हो जाए, ये हो गए 44, 45, 46, 47, 48, ये 48 हो गए। यदि एक्स एक्स और एक एक्स दो बार एक्स, दो एक्स की पुनरावृत्ति और एक वाई की पुनरावृत्ति होने पर कितने हो गए, एक बार वापस इसको देख लीजिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो पुरुषों में होता है और लैंगिक गुणसूत्र है कौन सा, एक्स वाला। हम जानते हैं कि 44 तो होते हैं कायिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक तो एक्स होता है एक वाई होता है, और इसमें एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47, 48 या 49 हो जाती है। कब, जब ये तो 44 है ही, ये गुणसूत्र तो होते ही है 44 गुणसूत्र, काई गुणसूत्र होता है 22 जोड़े गुणसूत्र, काई गुणसूत्र और एक्स वाई एक जोड़ी गुणसूत्र है वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। इनमें एक्स गुणसूत्र की एक बार पुनरावृत्ति हो जाए होने पर इन गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई। यदि एक्स वाले गुणसूत्र की पुनरावृत्ति दो बार हो जाए, इनकी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति दो बार हो जाए, तब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 44, 45, 46, 47 और 48, 48 गुणसूत्र हो गए। यदि इनकी इन एक्स गुणसूत्रों की संख्या तीन बार पुनरावृत्ति हो जाए तो संख्या हो गई इनकी कितनी, 49, एक ही बड़ी है ना। फिर या ऐसा हो सकता है कि एक बार एक्स की पुनरावृत्ति हो जाए एक बार वाई की भी पुनरावृत्ति हो जाए, एक बार एक्स की हो जाए एक बार वाई की भी पुनरावृत्ति हो जाए, तब 48 होते हैं ना, देखो 44, 45, 46, ये 47, ये 48, या दो बार एक्स की पुनरावृत्ति एक बार वाई की पुनरावृत्ति हो जाए तो भी 49 गुणसूत्र होते हैं, 44, 45, 46, 47, 48, ये 49, यानी एक्स की दो बार पुनरावृत्ति एक बार वाई की पुनरावृत्ति हो जाए तो 49 गुणसूत्र, अर्थात कुल मिलाकर 46 गुणसूत्रों में से एक्स गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति से कभी 47 गुणसूत्र हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं। इस प्रकार के असामान्यता से ग्रसित सिंड्रोम को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में पढ़ा है, इनमें से आगे भी हम पढ़ेंगे आनुवंशिक रोगों के बारे में, जैसे हीमोफीलिया वर्णांधता है, एल्बा कीटोन्यूरिया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक पिछले साल भी अभी 2020 में भी इस पाठ से एक प्रश्न आया था जीन विनिमय से संबंधित जीनों के द्वारा आदान प्रदान, जीनों का आदान प्रदान होता है यानी गुणसूत्र, अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पूर्वावस्था यानी प्रोफेज फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट की पेचिटिन अवस्था में जीन विनिमय की घटना होती है, इनके बारे में अभी 2020 में पूछा गया था। इससे संबंधित और भी आ सकते हैं। आज हमने पढ़ा कि गुणसूत्र क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं प्रारूपिक कोशिका में, गुणसूत्र के प्रकार विषाणु प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, फिर गुणसूत्र कितने प्रकार के, लैंगिक गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ कौन कौन सी, एक तो ऑटोसोमल कायिक गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से होने वाली
असामान्यताएं उनमें पढ़ा था आपने, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और संरचनात्मक असामान्यताएं। फिर बाद में पढ़ा था लैंगिक गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यताएं, उनमें पहला था टर्नर सिंड्रोम जो केवल स्त्रियों में होता है, और फिर पढ़ा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों में होता है एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण। आगे की कक्षा में भी इससे संबंधित और पढ़ेंगे और आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।